दिनांक 16 फरवरी 2023 पुलिस एक्शन प्रोग्राम जो 27 बटालियन बी एस एफ। जैसा आप सभी को पता है कि विंटर्स में ये पूरा तंगार प्रेस का पार्टी का पुलिस से कट जाता है और काफ़ी चीज़ों की असुविधाएँ आती है। दूर करने के लिए हर वर्ष के बाद, हर साल के बाद हमने इस साल भी तीन जगहों पर मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया था। एक मेडिकल कैंप तारीख को किया गया और उसी कड़ी में दूसरा मेडिकल कैंप पार्टियाँ लगाया जा रहा है और इसमें सिविल हॉस्पिटल का ही हमारा हमारे साथ बड़ा सहयोग रहा है। पिछले भी कैंप में डॉक्टर मैडम आई थी वहाँ पर और पेशेंट की देखभाल किया इन्होंने, जो भी जरूरी था वो और खासकर एक्सरसाइज वाली बी एस एफ का जिन्हें सुन आस्ते डेड बॉडियों वास्ते बड़ा अहम रोल अदा किया और अपना हेलीकॉप्टर जेह्का असर लोगों को उन्होंने खुश किया। मैं तो बहुत बड़े दिल से सपोर्ट किया और मेडिकल कैंप तो बहुत ही ज़्यादा जी, बहुत ही ज़्यादा बहुत लोगों को दवाइयाँ दी मुफ्त असं तो बहुत बड़े मुश्किल किया, हम उनका बहुत कुछ किया करते हैं। और ये जो मेडिकल कैंप है ये सर्दियों के इलाके में जो भी बीमार घर में रुके पड़े रहते हैं जिनको अपना कुछ ताकत नहीं होती है कहीं आगे तक ले जाने के लिए उनको यहाँ इलाके में जो ये कैंप होते हैं बीएसएफ की तरफ से इस साल भी जो हमारा ये आज 16 फरवरी को कैंप हुआ है इसमें बहुत सारे लोग जिनको दवाई की ज़रूरत थी उनको दवाई मिली यहाँ मुफ्त प्रोवाइड की गई तो हमें बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। सालों से ये हमारा जो जब से ये बाड़मेर एरिया हुआ है ये बाड़मेर पार्टीशन के बाद तो बहुत सारा जो योगदान है वो बीएसएफ का आर्मी का हमारे साथ है। जैसे पोर्टर कंपनी की बात हो और रोज़गार की बात हो यहाँ दिक्कतें आती रहती हैं हमेशा या सर्दियों के मौसम में तो बर्फ़ का सीज़न हो जाओ या कहीं हमारी डेड बॉडी हो उनको लिफ्ट करने के लिए भी एयर लिफ्ट करते हैं तो बीएसएफ हमारे साथ रहती है 24 घंटे। इस बार भी हमारी 4-6 दिन जो डेड बॉडी वहाँ रुकी रही तो वो भी हम अपने कमांडेंट बीएसएफ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एसडीएम साहब ने भी उसमें काफ़ी तावन दिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी तहसीलदार साहब थे, एसएचओ साहब थे, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी तो बीएसएफ